इंदौर में भारत और श्रीलंका के बीच 7 जनवरी को T20 मैच के लिए प्रशासन ने पूरी तरह से कमर कस ली है। इसको लेकर जिला प्रशासन ने शनिवार को एक बैठक रखी, जिसमें मैच के दौरान होने वाली दर्शकों को असुविधाएं के बारे में चर्चा की गई। इंदौर के कलेक्टर लोकेश जाटव ने बताया कि T20 मैच के दौरान बाहर पार्किंग, दर्शकों की बैठक व्यवस्था, सुरक्षा की दृष्टि से तमाम कदम उठाना, इन सभी मुद्दों को लेकर शनिवार को बैठक में चर्चा हुई। वहीं जिलाधीश ने कहा कि ऑनलाइन माध्यम से मैच की टिकट बेची जा रही है, साथ ही कॉम्प्लीमेंट्री पास अनावश्यक रूप से किसी को नहीं दिया जाएगा। आपको बता दें कि 7 जनवरी को शहर के होलकर स्टेडियम में भारत और श्रीलंका के बीच T20 मैच होने जा रहा है, जो कि शाम को 7 बजे शुरू हो जाएगा। इसके लिए शहर व आसपास के क्रिकेट प्रेमियों में इस मैच को लेकर काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। 7 तारीख को हमारे जितने भी खेल प्रेमी हैं, विशेषकर क्रिकेट प्रेमी हैं, एक अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच का आयोजन हो रहा है और 7 तारीख को मैच है जो शाम को 7 बजे स्टार्ट होगा। और जितने भी दर्शक हैं, खेल प्रशंसक हैं, उन सभी का स्वागत है और उनको अच्छी से अच्छी सुविधा मिले, व्यवस्था मिले, किसी को भी इनकन्वीनियंस ना हो, इसको लेकर आज एक बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें लोगों की बैठक व्यवस्था, पार्किंग व्यवस्था, आने जाने के लिए और सिक्योरिटी के जो अरेंजमेंट्स है उसको लेकर चर्चा की गई। बाय सारी के सारी जो टिकट ऑनलाइन व्यवस्था थी वो ऑनलाइन माध्यम से ही सेल्स हुए हैं और जो कॉम्प्लीमेंट्री पासेस की जो क्षमता होती है उसको ध्यान में रख के ही लोगों को कॉम्प्लीमेंट्री पासेस दिए जाएंगे। अनावश्यक जो रिक्वेस्ट आती है उसको मना करने के लिए ऑलरेडी MPC को बता दिया गया। मतलब सर, इस मामले में MPC के साथ खड़ा है इस बार प्रशासन पूरा? नहीं, हमेशा MPC के साथ प्रशासन खड़ा हुआ है और जितने भी अरेंजमेंट्स होते हैं जॉइंट अरेंजमेंट्स ही होते हैं, उस तरह कोई अनावश्यक दबाव किसी पे भी नहीं है।